हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हम सफर, क्योंकि जॉब जरूरी है। जैसा कि दोस्त आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी असिस्टेंट एग्जाम के आंसर की के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो एग्जाम 17 मार्च 2019 को हुआ दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्त मैं वेट कर रहा हूँ कब मेरे 100 लाइक्स पूरे होते हैं। चलिए दोस्त, हम लोग जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। कहता है ए वुमेन इंट्रोड्यूसेस ए मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर्स, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन। देखिए दोस्त, ऐसा मैं जो प्रश्न पहले करवा रहा हूँ, ये प्रश्न आपके रीजनिंग के प्रश्न है, तो इस प्रश्न का आप आंसर बस मिला लीजिए। डिस्कशन करने में तो काफी वक्त लग जाएगा, तो बस आपका मेन मोटिव तो आंसर ही मिलाना है, तो आप पहले आंसर मिला लीजिए इसका। इसके बाद एक डिस्कशन का भी एक स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा। तो चलिए दोस्त, आंसर पहले मिला लीजिए। पहला का आंसर की बात करें दोस्त, जो पहला का आंसर था वो आपका है सी। क्योंकि दोस्त मैं बात कर लूँ, मेरा जो जिस सेट था वो ग्रुप सी का सेट था, तो आप अपने सेट के अनुसार देख सकते हैं। बस कुछ क्वेश्चंस आपके थोड़े रीअरेंज करना पड़ेगा, लेकिन आपके क्वेश्चंस तो याद होंगे, तो आप उस याद हुए क्वेश्चंस आप आंसर मिला सकते हैं। देखिए दोस्त, ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन था, तो इसमें इसका आंसर कजिन आएगा। चलिए दोस्त, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये आपको कैस्ट्रोफोन वाला क्वेश्चन था, इसको रीअरेंज करना था दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा 6, यानी कि दूसरा का राइट आंसर डी होगा। चलिए दोस्त, आगे हम लोग देखते हैं सिस्मोग्राफ था, अर्थक्यू। अर्थक्यू को नापने वाला यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ है। जबकि आपका टेसोमीटर क्या है दोस्त? टेसोमीटर आपका स्ट्रेन नापता है, तो इसका बी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो पहले आप इसे मिला लीजिए अच्छे से, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए दोस्त कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा कटअप डिसाइड करने में। और कटअप का मैं जो वीडियो बनाऊंगा आप ही के मार्क्स के अनुसार बनाऊंगा, क्योंकि तो मैं ऐसा थोड़ा ये कटअप कहीं और से लाऊंगा, वो सब दैट विल टोटली डिपेंड ऑन योर मार्क्स। तो दोस्त चलिए हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कहता है कि फाइंड द आउट वन आउट, मतलब इसमें से कौन सा चारों में से भिन्न है। तो दोस्त इसका कवर पेज होगा भिन्न होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आपको 1 से 100 के बीच में 1 से 100 लिखना है, उसमें से देखना है कि नंबर ऑफ थ्री कितने बार आ रहे हैं दोस्त। ये 20 बार आ रहे हैं, 20 इज द राइट आंसर। आगे हम लोग देखेंगे एक इक्वेशन दिया हुआ था, ए प्लस बी बराबर 2c और सी प्लस डी बराबर 2 है, तो बोल रहा था कि कौन इक्वेशन फॉलो करेगा दोस्तों। आपका ए आंसर इसका राइट होगा, पहला इक्वेशन फॉलो करेगा, यानी ए प्लस सी बराबर बी प्लस डी, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, हम लोग बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में देखे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ था 4383 और 6472 और बराबर 34 दिया हुआ था और 8573 पूछ रहा था। तो आप देख सकते हैं दोस्त, 4 + 3 + 8 कितना हो गया? 15। अब प्लस 3 था, उसको गुना कर दीजिए 3 से, तो 45 हो गया। उसी तरह इसमें 6 + 4 10 हो गया, 10 + 7 17 और 17 × 2 लास्ट डिजिट वाला था उसे गुना करना था, जो बाकी तीनों का सम था। तो उसी इसके अनुसार ही दोस्त यहाँ पे आप जोड़िएगा, तो 8 5 13 13 7 20 20 20 × 3 कितना होगा? 60। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा जो डिस्कशन करने लायक होगा, बाकी मैं थोड़े फास्ट चलूंगा दोस्त। चलिए दोस्त इसको देखिए, 834 को 348 से लिख रहा है, 637 को 376 लिख रहा है, और दोस्त यहाँ पे 986 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो आप देख सकते हैं एक ट्रेंड बना हुआ है, एक ट्रेंड क्या है? 834। तो आपको 348, यानी ये जो आपको ऐसा कुछ ट्रेंड इसका बना दिया है, यानी 348। उसी तरह आपका 637, तो 376 कुछ इस तरह का ट्रेंड बना है, तो 986 वाला में क्या बनेगा ट्रेंड? 869 कुछ इस तरह का ट्रेंड बनेगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त वो होगा आपका सी, सी द राइट आंसर। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, रैंकिंग पे आधारित प्रश्न थी, क्योंकि विनोद है जो ऊपर से आपका 9वां रैंक उसका, और नीचे से उसका रैंक है जो 38 है। तो बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने थे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास की बात करें दोस्त, तो यहाँ पे आपका 46 हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा, जो राइट आंसर है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है दोस्त, इसमें आपका राइट आंसर होगा जो सी होगा, आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा अपने बुकलेट से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें दोस्त, यहाँ पे एक क्वेश्चन था जो काफी लॉजिकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन था, यदि आप मान लीजिए ट्रेन में बैठे हुए, ठीक है, और कोई आपका कोई स्टूडेंट है जो पुली को खींच रहा है और अपने दोस्त के मतलब दोस्त के साथ खींच रहा है, मतलब ऐसा कुछ उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, कुछ मतलब इमरजेंसी के दौरान खींच रहा है, वो बस ऐसे ही खींच रहा है, अपने सोच रहा है कि मैं जहाँ पे मेरा घर है वहाँ पे मैं आसानी से उतर सकूँ, तो आप उस वक्त क्या कीजिएगा दोस्त? आप उस वक्त क्या कीजिएगा? अपने और कुछ भी जो पैसेंजर उनके साथ मिल करके उनको रोकेंगे, नहीं ऐसा मत करो। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, यानी ये आपका थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन था, आपको देख रहा था कि आप ऑफिसर बन रहे हैं, तो आपको कुछ सोचने की एबिलिटी है नहीं,
बस इस तरह के कुछ प्रश्न इसमें डाले हुए थे। ये हम लोग कुछ देखेंगे प्रश्न। इसमें प्रश्न है कि आपका वेन डायग्राम टाइप का प्रश्न है, इसमें कुछ खास नहीं है दोस्त, तो इसको आप मार सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी ग्रेजुएट्स आर इंजीनियर आईएएस, यानी कितने ग्रेजुएट ऐसे हैं जो इंजीनियर भी हैं और आईएएस में। इसमें दो ऑप्शन होगा दोस्तों। और एक बात करें, कह रहा है कि हाउ मेनी ग्रेजुएट आर आईएएस, तो इस पर 5 आंसर होगा दोस्तों। हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न था। इसमें बोल रहा था कि फुटबॉल फैंस, क्रिकेट प्लेयर और बॉयज, इसका वेन डायग्राम किस तरह का बनेगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसका वेन डायग्राम जो बनेगा, मैं आपको बता दूँ, आपका इसका वेन डायग्राम बनेगा, इसका राइट आंसर ए है दोस्तों। क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्रिकेट प्लेयर एक बॉय भी हो सकता है, क्रिकेट प्लेयर एक फुटबॉलर फैन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि फुटबॉलर फैन हो, क्रिकेटर हो और बॉयज भी हो, यानी आपका ए आंसर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें दोस्त महाराणा प्रताप और महारानी जयाबती, जयाबंता वही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आर को क्या लिखा है। आर आपका कौन सा लेटर होता है, 18वां लेटर होता है, उससे रांची है, तो रांची का जो लेटर होता है उसको लिख करके जोड़ दिया है। दूसरा बोला कि बांका का कितना होगा, तो बांका का होगा दोस्त, उसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे आपका D29, क्योंकि बांका BANKA। आप देख सकते हैं बी आपका दूसरा स्थान पर होगा, ए आपका पहला स्थान पर होगा, एन आपका हो गया 14वां स्थान, और के ग्यारहवां हो गया, और ए आपका पहला स्थान पर। तो अब देखिए आप 14, 11 कितना हो गया, आपका 14 हो गया, और यहाँ पे MN यहाँ पे दो दो तीन हो गया, 3, 1, 3, 3, 3, 3 यहाँ पे 3 और 1, 4 हो गया दोस्त, 4 हो गया, 4, 14, 18, 18, 11, 29 सही है, आंसर इसका डी राइट आंसर है। आगे हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन मिसिंग टर्म वाला था, तो भी एक सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहा था, आप काफी आसान क्वेश्चन है, इसे मैं बताऊंगा भी नहीं, इसका आंसर इसका जान लीजिए बी होगा, बी द राइट आंसर। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 24, कहता है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड, ताकि पहले जो 5 ऑड है उनका सम क्या होगा। तो कुछ आपका बस इसे बस सम ही है, तो इसका जो सम आ रहा था दोस्त वो आ रहा था 25। आप देखिए इसमें इसमें चार ऑप्शन में कौन सा 25 हो रहा है, जो 25 हो रहा है दोस्त यहाँ पे आपका सी आंसर होगा। फिर आगे देखिए अभी जो फॉलोइंग पेयर डज नॉट मैच, इसमें कौन सा पेयर जो मैच नहीं कर रहा। जी हाँ दोस्तों, देखिए ऑरेंज और एप्पल की बात है, इंडिया ढाका की बात है, पोटैटो और प्रिजल की बात है, और आलमंड और चीज नट है, सॉरी कैश नट्स। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हम बता दें आपको, इसका राइट आंसर होगा इंडिया ढाका, ये बाकी सब आपका फॉलोअर सब्जेक्ट, जबकि इंडिया आपका और ढाका दोनों देश का नाम है, तो इसका आंसर राइट आंसर होगा बी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। कहता है कि कोई ग्रुप में 50 लोग, उसमें 6% फुटबॉल खेलते हैं, 12% क्रिकेट खेलते हैं, 24% आपका कबड्डी खेलते हैं, तो बाकी जो बचे कितने खेलते हैं। तो आप क्या करना है कि तीनों को जोड़ देना, आप पहले तीनों को जोड़िएगा तो आप कितना होगा, 42, 42, 100 में से 42 को घटाना है तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा जा करके 58। 58 का आप निकाल दीजिए 50%, तो जो आएगा आपका आंसर दोस्तों वो आपका आएगा 21, यानी आंसर डी इज द राइट आंसर। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या था दोस्त, क्या आपका सीरीज दे हुआ था 2, 8, 20, 44, 92, और अगला क्या होने वाला है दोस्त। एक सिंपल एक ट्रेंड फॉलो हो रहा था, इसका जो डिफरेंस था 6 था, इसका डिफरेंस था 12 था, इसका डिफरेंस 24 था, इसका डिफरेंस 48 था, तो अब अगला जो डिफरेंस होगा 96 होगा, तो आप 96 से जोड़िएगा, यानी आप 92 + 96 लिखिएगा दोस्त, तो आपका आएगा 188, यानी सी इज द राइट आंसर। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। कहता है कि यदि आपको स्कूटर को खरीदते हैं 60,000 में, ठीक है, यदि आपको 10% का लॉस हुआ है तो आप कितने परसेंट में, सॉरी यदि किसी स्कूटर को आपने 60,000 रुपये में बेच दिया है और उसके साथ 10% का लॉस हुआ है, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें आपका CP दिया हुआ था 60,000 रुपया और लॉस दिया हुआ था 10%। तो पूछ रहा था कि आपका SP क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा 54,000 होगा दोस्तों, काफी आसान क्वेश्चन था, बच्चा वाला क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। 29 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एच बराबर 16 दिया, एच बराबर आपको 16 दिया हुआ था, देखिए एच होता क्या है 8 होता है, तो 8 से 2 से मल्टीप्लाई करके 16 कर दिया गया, के होता क्या है 11, 11 गुणा 2 कर दिया इसको 22 कर दिया, उसी जी हो गो जी जी 7 होता है वो आपका होता है 15, तो 15 × 7 = 22 जोड़ेंगे तो 22 × 2 = 44, यानी आप क्या करेगा आपको दोनों को जोड़ करके 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो कम को भी कम जो इसका भी जो कौन सा लेटर कॉम्प्लेक्स आता है उसको लिखिए, लिख करके जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद 2 से गुना कर देना पड़ेगा दोस्त, तो आपका आएगा 72 इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है दोस्त इसमें से कौन सा है जो नेक्स्ट लेटर होगा, आपका दिया हुआ भी दिया हुआ, एस दिया, ओ दिया हुआ, जे दिया हुआ, और नेक्स्ट पूछ रहा है दोस्त। देखिए भी आपका होगा कितना, भी आपका होगा 22, एस आपका होगा कितना 19, ओ आपका 15, और जे आपका होगा कितना, जी आपका होगा 10। आप देख सकते हैं आप गैप गैप यहाँ पे देखिए 3 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, 5 का गैप है, तो अगला गैप क्या होगा दोस्त, अगला गैप 6 का होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। आगे हम लोग देखते हैं, कहता है 3 + 4 को हम लोग 8 लिखते हैं, ठीक है, 4 + सॉरी
4 + 5 = 11 और 5 + 6 = 14, तो 6 + 7 तो क्या लिखेंगे, देखिए 3 4 = 10, 7 7 = 8, 5 4 9 2 = 11, 6 5 = 13 14, यानी बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, तो इसमें क्या हम लिख लेंगे 6 7 13 13 प्लस, अभी क्या हो जाएगा इस बार होगा आपका 4, इसमें जुटेगा 13 + 4 कितना हो जाएगा 17, यानी कि आंसर आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कौन ऐसा मीटर, कौन है ऑब्जेक्ट है जो मतलब मीटर किसका मेजरमेंट है, तो मीटर लेंथ का मेजरमेंट हम लोग जानते हैं, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्त, आपको अरेंज करना था, पहले बाइट आता है, फिर किलो बाइट आता है, फिर मेगा बाइट आता है, फिर जीगा बाइट आता है, कुछ खास प्रश्न तो था नहीं। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे, एक प्रश्न आपका डीआईसी आया था, डाटा इंटरप्रिटेशन था, डाटा इंटरप्रिटेशन इसमें कुल कुल आपके 4 प्रश्न बने थे दोस्त। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 34 की, तो दोस्त 34 का राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, और आपका 35 का दोस्त तो आपका इस राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की तो यहाँ पे 2015, क्योंकि हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की दोस्त तो आपका हो जाएगा डी, यानी 132। चलिए दोस्त आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कहते हैं कि जो 20 पेंगल्स बनता है 2 अंडे से, पूछ रहा है हाउ मेनी एग्स आर नीडेड फॉर मेकिंग 100 पेंगल्स, तो आपका 10 हो जाएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्त। आपको टोटल नंबर ऑफ द वेजिटेबल्स, आपको वेजिटेबल दिया हुआ 158, ठीक है, इसके बाद रेशियो उसका दिया हुआ है, रेशियो दिया आपको इस तरह से रीअरेंज करना है, और इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी रेडिश आर देयर, हाउ मेनी मोर रेडिश आर देयर देन द कैरेट, यानी कितने रेडिश आते हैं कैरेट से दोस्त। इसमें राइट आंसर होगा डी 14, काफ़ी आसान क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कहता है दोस्त कि कमल बीट मोहन, कमल है जो मोहन को बीट कर दिया, ठीक है, और कह रहा है कि कितने मीटर से, 20 मीटर से, जबकि आपका दोस्त मोहन बीट श्याम, मोहन ने श्याम को बीट किया, तो बोरा एक कमल है श्याम कितने बीट किया, तो इसको 40 मीटर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41, 41 का राइट आंसर होगा दोस्तों 10, जो कि बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 42 का दोस्त, 42 का आंसर राइट आंसर सी होगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें दोस्त तो इसका राइट आंसर होगा सी, और क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर इसका डी। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे दोस्त, यहाँ राइट आंसर का सी हो जाएगा, जबकि बात करेंगे दोस्त हम 46 की, तो 46 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा आपका बी, अगर हम बात करेंगे 47 दोस्त, तो 47 काफी आसान क्वेश्चन था, इसे आप कर सकते थे, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, ये सब काफी मतलब बेसिक बेसिक फ्रैक्शन थे, हर कोई बनाया होगा दोस्त, और ये आपका हो गया इसका डी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 दोस्त, 49 आपका हो जाएगा बी, और इसका बात करेंगे 50 की दोस्त, तो 50 आपका राइट आंसर होगा जो होगा आपका डी। चलिए दोस्त मैंने 50 क्वेश्चंस का सीरीज आपको बता दिया, इसमें मैंने रीजनिंग के सारे प्रश्न को आपको अच्छे से बता दिया इसका क्या राइट आंसर होगा, तो दोस्तों आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप 50 में कितना पा रहे हैं रीजनिंग में। और दोस्त हम बात करें जीएस और मैथमेटिक्स का और साइंस का क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में दोस्त, तो मैं उसे जल्द से अपलोड कर देता हूँ, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और दोस्त थंबनेल यदि आप क्लिक कर देते हो तो आपको इस ये फायदा हो जाता है कि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपको एज ए नोटिफिकेशन वो चीज़ मिल जाएगी, तो आप जल्दी से आप उस चीज़ को देख सकते हो, ऐसे आपको टाइम लग जाएगा देखने में। तो पहले तो मैं 50 क्वेश्चन कर दिया ताकि आप तब तक मिलाइए इसको, इसके बाद हम आगे भी इसका डाल देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।